बहुत जल्द महिंद्रा XUV300 लॉन्च हो जाएगी और आज इसके सारे वेरिएंट्स के फीचर्स हमारे सामने भी आ गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको रूबरू कराएंगे W4, W6, W8 और W8 ऑप्शनल में मिलने वाले सारे फीचर्स, और इतना ही नहीं इस SUV की ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस के नंबर्स भी आपके साथ शेयर करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ऋषभ और आप देख रहे हैं कार न्यूज बाय हॉटशॉट इन्फो। हर बार की तरह लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव न्यूज आपको इसी चैनल पर मिलती है और आगे भी आपको मिलती रहेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। चलिए अब इस वीडियो को शुरू किया जाए। आप सब तो जानते ही होंगे कि XUV300 ऑलरेडी कुछ शोरूम्स में आनी भी शुरू हो गई है, लेकिन फिर भी अभी तक सारों को एग्जैक्ट फीचर्स नहीं पता थे। आज सारी बातें आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें। शुरू करते हैं W4 के फीचर्स के साथ। इस SUV के बेस मॉडल में आपको मल्टी स्टीयरिंग मोड्स, आइसोफिक्स सीट्स, गियर शिफ्ट इंडिकेटर्स, 16-inch स्टील व्हील्स, ड्यूल एयरबैग्स, ABS with EBD, इलेक्ट्रिकल एडजस्टेबल ORVMs, 3.5-inch का ऑडियो सिस्टम और 4 स्पीकर्स भी मिलेंगे। अब बात करते हैं W6 वेरिएंट की, जो मोस्टली लोग लेने का सोच रहे हैं। इस मॉडल में आपको W4 के फीचर्स के साथ साथ कीलेस एंट्री, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, व्हील कैप्स और ब्लैक रूफ रेल्स भी मिलेंगे। अब नेक्स्ट वेरिएंट है W8, जिसमें आपको काफी सारे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, LED DRLs, मूड लाइटिंग, पुश बटन स्टार्ट, 7-inch का टच स्क्रीन सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, क्रूज कंट्रोल, 17-inch अलॉय व्हील्स, ड्यूल जोन एयर कंडीशनर, पैसिव कीलेस एंट्री, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, लेदरेट स्टीयरिंग और गियर नॉब, ESP विद हिल होल्ड कंट्रोल, इंजन स्टार्ट स्टॉप, हीटेड मिरर्स, सिल्वर फ्रंट एंड रियर स्किड प्लेट्स और 6-way एडजस्टेबल ड्राइवर सीट भी। जी हाँ, इतने सारे फीचर्स। XUV300 का टॉप मॉडल है W8 ऑप्शनल, जिसमें आपको फर्स्ट इन सेगमेंट फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि ऑटो डिमिंग IRVM, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, नी एंड साइड एयरबैग्स, ड्यूल टोन रूफ रेल्स, लेदरेट इंटीरियर्स, सनरूफ और 17-inch के डायमंड कट अलॉय व्हील्स भी। आप हमें बताएं आपको कौन सा वेरिएंट बेस्ट लगता है नीचे कमेंट करके। अब अगर हम बात करें ग्राउंड क्लियरेंस और बूट स्पेस की, तो वो हमें पर्सनली थोड़ी कम लग रही है कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए। हमारे हिसाब से 265 लीटर्स बहुत ही कम है एक कॉम्पैक्ट SUV के लिए, और 180mm की ग्राउंड क्लियरेंस की वजह से इस गाड़ी की हाइट थोड़ी कम रहेगी और ऑफ रोडिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। XUV300 की प्राइसिंग, इंजन्स, माइलेज और बुकिंग इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये ऊपर दी गई वीडियो जरूर देखें। तो ये था XUV300 के वेरिएंट्स की डिटेल्स के बारे में। अगर आपका XUV300 या फिर किसी भी और गाड़ी को लेकर कोई सवाल है, तो आप हमसे WhatsApp पर हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही कार्स और बाइक्स की दुनिया से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे Facebook, Twitter और Instagram के पेज पर। थैंक यू।